भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील होने के कारण कांगड़ा जिले में आपदा से बचने के लिए मॉक ड्रिल को बहुत गंभीरता से किया गया। मेगा मॉक ड्रिल के जरिए जिला प्रशासन ने भूकंप आने की स्थिति में अपनी तैयारियों का जायजा लिया। ड्रिल के दौरान जिला कांगड़ा में गुरुवार को सुबह 10:45 भूकंप के झटके आने से जिला मुख्यालय धर्मशाला के प्रशासन, NDRF, सेना के जवानों और दमकल विभाग के कर्मियों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं बचाव दल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस मैदान धर्मशाला में एकत्रित हो गए, जिसके बाद उपायुक्त कार्यालय सहित विभिन्न भवनों में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान में लाया गया। सबसे बड़े जिला कांगड़ा के 5 स्थलों जिनमें उपायुक्त कार्यालय, चांदमारी गांव, नगरोटा बगवा का डिग्री कॉलेज एवं पुराना बस अड्डा और SDM कार्यालय कांगड़ा शामिल हैं, जिसमें सेना, अर्धसैन्य बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा जिला के आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने राहत बचाव कार्य किया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।